सूरज धामी और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLP ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, और इंग्लिश को मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक आप समझ सकते हो कि एक हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है इस लैंग्वेज को पढ़ने का या इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने का हमारा एक पहला स्टेप है, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके जो हायर, अगर आप उसको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में पढ़ोगे या उसके हायर कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे जो आपके एग्जाम्स के बेस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे आप अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इस लेवल का पढ़ोगे तो तब आपको जो हाई लेवल की चीजें हैं उनको समझने में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशानी है। इसलिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको बहुत ज्यादा प्यार दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते बच्चों इंग्लिश। सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंग्लिश है क्या चीज। ठीक है, जैसे हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी, वैसे ही इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक आपकी लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा अगला स्टेप कि अब ये बताना है आपको कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर आप हिंदी में पूछते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड, वैसे ही इंग्लिश में अगर मैं बात करूं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उसको अल्फाबेट, और कुछ बच्चे बोलते हैं आपके अल्फा बेट्स। तो आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, ये जानना हमारे सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो बेटा, अगर आपको कोई पूछता है कि किसी भी भाषा की यानी कि इंग्लिश सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है अल्फाबेट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, वहीं पर देखो अल्फाबेट में हमने सिर्फ एक एस एड कर दिया, इससे इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं भाषा, अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषा। आप किसी से पूछ सकते हो व्हाट इज योर अल्फाबेट्स, आपकी भाषा क्या है। ठीक है, तो आप जैसे हमारे हिंदी में जो वर्णमाला है, अगर आपको उसको डिफाइन करना हो कि अल्फाबेट आखिर में होता क्या है, ठीक है, तो अल्फाबेट होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्णों का समूह। ठीक, जैसे हिंदी में वर्ण होता है क ख ग, ये आपका जिनको अ आ ई ये हम पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश में भी क्या होते हैं, वर्ण। अब अगर हम बात करें कि अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है इंग्लिश में, वो होती है 26, ये तो सभी को पता होगा, है ना। अब फर्दर इसको क्या है, जो अल्फाबेट है इनको क्या करा गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाता है आपका वॉवल, दूसरा कॉन्सोनेंट। ठीक है, पहला क्या जाता है आपका वॉवल, जिनको हिंदी में क्या बोला जाता है, स्वर। दूसरा आपका कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, व्यंजन। ठीक है ना, अब जो 26 होते हैं आपके वॉवल, आपके जो अल्फाबेट, इनमें वॉवल कौन कौन से होते हैं, ठीक, वो जान लेते हैं। ए ई आई ओ यू, ये क्या कहलाते हैं आपके वॉवल। ठीक है, जैसे हिंदी में स्वर क्या होते हैं आपके, अ आ ई, जो इससे आगे होगी, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं इसके अलावा, बिसाइड्स ए ई आई ओ यू, बिसाइड्स ए ई आई ओ यू जो भी आपके लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, कॉन्सोनेंट। और ये दोनों चीजों का भी हम अपने अगली कक्षाओं में जो है अपनी अगली क्लासेस में इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो पहली बात क्या बोली मैंने आपको कि इंग्लिश क्या आपकी एक लैंग्वेज, लैंग्वेज जैसे हमारी हिंदी,
वैसे इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा, जिसको हम क्या करते हैं यूज, बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या होती है। अगर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो क्या कहलाती है आपकी, अल्फाबेट, क्या कहलाती है, अल्फाबेट। अब मैंने तुम्हें बोला कि कुछ बच्चे इसको अल्फाबेट बोलते हैं और कुछ बच्चे इसको अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, तो बेटा हमेशा बोलना आपको अल्फाबेट ना कि अल्फाबेट्स, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषा और अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात मैंने आपको बोला कि अल्फाबेट होते क्या है, अल्फाबेट होते हैं आपके ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स जिनको हम वर्ण, ठीक, यानी कि वर्णों का समूह जिसे कहा जाता है, वो कहलाते हैं आपके अल्फाबेट, ठीक है ना। आप इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 आपके अल्फाबेट होते हैं, जो फर्दर आपके जो डिवाइड किए गए हैं टू कैटेगरीज में, एक तो वॉवल हो गया, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट हो गया। वॉवल्स होते क्या आपके, स्वर, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वर, वो आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो कि जिन्हें किसी की सहायता के बिना जो है बोले जाते हैं, कहते हैं ना स्वर, और वैसे व्यंजन क्या होते हैं जो इनकी हेल्प से बोले जाते हैं, किसके, स्वर की हेल्प से। और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, बिसाइड्स ए ई आई ओ यू, ये सब आपके भी कहलाएंगे, आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, जिसको छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी आपके लेटर्स होंगे वो कहलाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट। तो ये तो था पहला स्टेप कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जो उसकी बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, अल्फाबेट। अब आगे बढ़ो, और बच्चों एक काम करिएगा, इसको जो भी चीज हम आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिएगा किसी अपने नोटबुक पे, और अपने नोट्स भी तैयार करते रहेगा, क्योंकि आगे चलने वाली जो क्लासेस हमारी हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक चीज आपको जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, और जो बच्चों को लगता है इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश बेटा इतनी टफ नहीं है, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है इस चीज को सीखने के लिए। अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए अपने, तो आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपके जो है हम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम आपको बेसिक चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, अल्फाबेट। अब अगला स्टेप पढ़ते हैं भाई, अल्फाबेट तो हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे आता क्या है, अब अल्फाबेट के बाद हमारा क्या आता है भाई, वर्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ड होता क्या है, ठीक है। अब वर्ड होता है क्या, सबसे पहले किसको हम वर्ड बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या कहा जाता है, शब्द, क्या कहा जाता है, शब्द। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शब्द किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, विच हैज अ मीनिंग, कहने का मतलब है कि वर्णों का समूह जिसका कोई क्या होता है, अर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, स्कूल, स्कूल मीन्स क्या होता है भाई, विद्यालय, ठीक है। तो इसमें देखो कितने अल्फाबेट है आपके, एस सी ओ ओ सॉरी एच ओ ओ एल, स्कूल हो गया। इसमें जाकर देखो कितने, एक दो तीन चार पांच छह लेटर्स ने मिलकर आपका क्या रखा है, वर्ड बना है, इसका क्या निकल गया, एक मीनिंग, ठीक है। तो वैसे कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, गुड, बहुत ही बेसिक सा वर्ड सभी को पता होगा, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डू, कोई वर्ड होता है ऐसा, आप लोगों ने कभी पढ़ा ऐसा नहीं, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका क्या है, एक अर्थ है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन इसका क्या बन रहा है, कोई मीनिंग भी बन रही, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। वहीं पर तुम कुछ और एग्जाम्पल, जैसे नेम होता है हिंदी में, हम जिसको बोलते हैं नाम, है ना, तो नेम होने के लिए इसमें चार क्या है, लेटर्स है, लेकिन इसका क्या है, एक अर्थ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ड, ठीक। दूसरा स्टेप आ गया हमारा वर्ड, यहां तक समझ में आया, ठीक। अगला पढ़ते हैं हम सेंटेंस, तीसरा स्टेप आ गया हमारा सेंटेंस,
सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में इसको बोला जाता है वाक्य। ठीक, वाक्य क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग, कहने का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, इसका अर्थ क्या होता है? राम एक अच्छा लड़का है। देखो यहां पर एक वर्ड याद, एक वर्ड याद है, ऐसे क्या बन गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका क्या बन गया? एक अर्थ। अगर मैं इसको आप देखो जंबल वर्ड्स, छोटे बच्चों की क्लास में देखना आपको, ऐसे उनके एग्जाम्स में पूछा जाता है जंबल वर्ड्स, जिनको आप दूसरा बोलते हैं जंबल वर्ड्स, हमारे बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं जिसमें हम बड़े बड़े पैराग्राफ का छोटा सा एक पैराग्राफ दे देते हैं जिसको हम वो रीअरेंज करना होता है प्रॉपर सीक्वेंस। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, गुड अ बॉय राम इज, सही सेंटेंस नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, अगर सीक्वेंस देखें इसमें जो हम वर्ड्स का सीक्वेंस देखें, क्या पूरा अटपटस है और इसका कोई अर्थ भी हमें समझ में नहीं आ रहा। अब इसको अगर हम प्रॉपर वे में लिखे तो इस तरह से लिखेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस। लेकिन इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको जंबल वर्ड्स कहा जाता है। आप देखोगे तो छोटे बच्चों के एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो हमको रियलाइज करना होता है प्रॉपर सीक्वेंस में। तो ठीक है, तो पहली बात हमने अल्फाबेट पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने वर्ड। वर्ड क्या होते हैं भाई? शब्द, जिसको हिंदी में बोला जाता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग, कहने का मतलब वर्डों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गुड, गुड मीन्स क्या होते हैं? अच्छा, एक बेसिक सा एग्जाम्पल जिससे मैंने स्कूल का लिखा था, जैसे नेम लिखा है, इसको अगर सीक्वेंस बदल दोगे तो मीनिंग नहीं बन रहा है, तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे? वर्ड नहीं बोलेंगे। लेकिन उसका मीनिंग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी सेंटेंस, तीसरा स्टेप सेंटेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वाक्य। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग, कहने का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या है? कोई एक अर्थ है, उसे क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस के। ठीक है, सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय इसका मतलब क्या हो गया? राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना, तो यानी कि ये सेंटेंस आ गया। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं।